मन की बात के 100वें एपिसोड का पूरी दुनिया में हुआ प्रसारण। 100वें एपिसोड में पीएम मोदी बोले, ये सिर्फ एक कार्यक्रम नहीं बल्कि मेरे लिए आस्था, पूजा और व्रत है। जैसे लोग ईश्वर की पूजा करने जाते हैं तो प्रसाद की थाल लाते हैं, मेरे लिए मन की बात ईश्वर रूपी जनता जनार्दन के चरणों में प्रसाद की थाल की तरह है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने मुंबई में सुना मन की बात कार्यक्रम। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा और सभी केंद्रीय मंत्री कार्यक्रम से जुड़े। अमेरिका से लेकर ब्रिटेन तक सुना गया मन की बात का 100वां एपिसोड। कर्नाटक में पीएम मोदी का धुआंधार प्रचार। कोलार में पीएम ने की बड़ी जनसभा। रामनगर और हासन में भी करेंगे बड़ी रैली। मैसूरु में रोड शो का कार्यक्रम। कोलार की रैली में पीएम ने किया कांग्रेस और जेडीएस पर वार। कर्नाटक को कांग्रेस और जेडीएस के भ्रष्टाचारी शिकंजे से बचाना है। मिशन कर्नाटक पर बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा। दावणगेरे में नड्डा ने की बड़ी जनसभा। आरक्षण के मुद्दे पर नड्डा ने किया कांग्रेस पर प्रहार। धर्म के आधार पर तुम रिजर्वेशन संविधान के खिलाफ काम करते हो और जब संविधान को ठीक करते हैं तो तुम बोलते हो कि हम धर्म के नाम पर फिर रिजर्वेशन देंगे। दिल्ली में अतीक की प्रॉपर्टी पर बड़ा पर्दाफाश। एसटीएस सूत्रों के मुताबिक दिल्ली में एक नेता की मदद से अतीक ने खरीदी थी 100 करोड़ की प्रॉपर्टी। अतीक के बेटे उमर और अली दिल्ली में एक नेता के घर कई बार ले चुके हैं पन्हा। बमबाज गुड्डू मुस्लिम लगातार बदल रहा है नाम और लोकेशन। पहचान छिपाने के लिए मूछें भी हटाई। 4 अलग अलग हिंदू नाम का करा इस्तेमाल। पूछताछ में कई करीबियों ने गुड्डू का अलग अलग हुलिया बताया। पंजाब के लुधियाना में गैस लीक से 11 लोगों की मौत। मरने वालों में 2 बच्चे और 5 महिलाएं शामिल। रिहायशी इमारत में बने मिल्क बूथ में हुआ हादसा। न्यूज 18 इंडिया पर सज गया सवाल और जवाब का अनोखा मंच। उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी के साथ शामिल होंगे कई मेहमान। और न्यूज 18 इंडिया लगातार बना हुआ है देश का नंबर 1 हिंदी न्यूज चैनल। दर्शकों ने खबरों के लिए न्यूज 18 इंडिया पर जताया भरोसा। लोगों की नंबर 1 पसंद बनता है वो जो सिर्फ रफ्तार नहीं जिम्मेदारी पर भी विश्वास रखता है। देश का नंबर 1 न्यूज चैनल बनता है वो जो देश हित और जनहित दोनों को सर्वोपरि समझता है। न्यूज